हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेक्निकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 4 का पार्ट नंबर 1, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर वाइज लिए गए हैं, तो आप लोग इसको कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद जहाँ पे जो चीज़ें बताने वाली रहेंगी वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। और टेलीग्राम पे चैनल है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि लाइक और थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व क्या है। तो देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि मतलब ये इंग्लिश में जो हिंदी में लिखा है, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, ठीक है। मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, मॉडल ऑफ शिक्षण यानी टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है ना। टीचिंग का मॉडल क्या होना चाहिए, मतलब ये दिया गया है यूनिट 4 में। तो आधारभूत तत्व कितने होते हैं इसमें, तो इसमें 4 तत्व होते हैं। आधारभूत तत्व 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए जो पहला तत्व होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। और चौथा क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो ये सभी के सभी टाइप्स भी हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा आधारभूत तत्व तो कितने होते हैं या टाइप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने चारों आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन बिहेवियर पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है, ये चारों आप याद रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था। तो ये तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान था, मॉडल था, मॉडल ऑफ टीचिंग था जो कंप्यूटर आधारित था, वो दिया था लॉरेंस व डेविस ने, लॉरेंस व डेविस ने दिया था, ठीक है। और जो रॉबर्ट ग्लेसर थे, रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित किया था, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित किया था रॉबर्ट ग्लेसर, इनका भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, बुनियादी शिक्षा प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, तो ये है रॉबर्ट ग्लेसर, ठीक है, रॉबर्ट ग्लेसर। अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण का दूसरा सोपान उद्देश्यों का प्रतिपादन करना उन्हें रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये आपसे बोला गया है, तो उन्हें व्यावहारिक रूप में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा, 4th वाले। अगला क्वेश्चन है, मेगर विधि किसके सिद्धांतों पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेगर विधि है वो व्यावहारिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, व्यावहारिक मनोविज्ञान, ठीक है। पूर्व व्यवहारों को ज्ञात करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, पूर्व व्यवहारों को ज्ञात करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, पूर्व परीक्षण का। व्यवहारों को आपको पता करना है ना, तो आपको परीक्षण करना पड़ेगा, और पूर्व व्यवहार है तो पूर्व परीक्षण का आपको पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विधि को अंतिम व्यवहारों को लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अंतिम व्यवहारों को लिखने के लिए व्यवहारवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पे मेगर विधि का काम करता था ना, तो अंतिम व्यवहारों को लिखने के लिए मेगर विधि का प्रयोग किया जाता है, मेगर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगर विधि का मुख्य दोष यह है कि इसके मानव अधिगम में भी क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके मानव अधिगम में शारीरिक क्रियात्मक और संज्ञानात्मक इन सब का महत्व दिया जाता है, बट मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाठ्य वस्तु के विकास क्रम के संबंध में किसकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि पाठ्य वस्तु के विकास क्रम के संबंध में अगर आपको अनुमति लेनी हो तो विशेषज्ञों की अनुमति जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य वस्तु के विकास क्रम की सूची को किसको सीखने में सुविधा मिलती है, पाठ्य वस्तु के विकास क्रम की सूची को किसको सीखने में सुविधा मिलनी चाहिए। तो देखिए बच्चों को भी सीखने में सुविधा मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10वें का भी छात्रों को, ठीक है। मानदंड परीक्षा में किस परीक्षा के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए जो मानदंड वाले परीक्षा होते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, मानदंड वाले परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। सम प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास किसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया। तो ध्यान दीजिएगा, जो सम प्रत्यय था है ना, इसमें जेरोम ब्रूनर, कभी कभी केवल ब्रूनर आएगा, तो इनको भी ध्यान रखिए, कभी कभी केवल ब्रूनर दे सकता है। तो सम प्रत्यय उपलब्ध प्रतिमान का विकास अपने सहयोगियों के साथ
जेरोम ब्रूनर ने किया था 1956 में, 1956 में किया था जेरोम ब्रूनर, या तो केवल ब्रूनर लिखा रहेगा तो ये ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, एक सम प्रत्यय मुख्यतः कितने तत्वों से बना है? तो एक जो सम प्रत्यय होता है ये तीन तत्वों से मिलकर बना है, तीन तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व है? एक है तो हो गया आपका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हो गया, दूसरा हो जाएगा गुण, और तीसरा होगा गुणधर्म, ठीक है, तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये सब चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक है ना, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक यानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के प्रतिपादक कौन है? जॉन ड्यूबी व किल पैट्रिक, जॉन ड्यूबी व किल पैट्रिक। जो सच मैन है वो सच मैन किसके प्रतिपादक हैं? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के। और डेविड आसुबेल किसके हैं? डेविड आसुबेल हैं आपके एडवांस ऑर्गेनिज्म मॉडल, एडवांस ऑर्गेनिज्म मॉडल, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की विचारधारा व प्रयत्नों का परिणाम है? तो अग्रिम संगठन प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनिज्म मॉडल, एडवांस ऑर्गेनिज्म मॉडल की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा डेविड आसुबेल। सम प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जेरोम ब्रूनर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1956 में किया था, अभी बताया गया 1956 में किया था। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक, अच्छा इंक्वायरी वाला बताया था सचमैन, ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सचमैन, इंक्वायरी, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल सचमैन ने किया था, तो ये हो जाएगा पूछताछ वाले का जो प्रतिपादक है वो क्या है? सचमैन है। आगमन चिंतन प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो आगमन चिंतन, ठीक है, आगमन चिंतन को याद रखिएगा, हिल्डा टाबा, हिल्डा टाबा, ठीक है, हिल्डा टाबा के द्वारा प्रतिपादित है। डेविड आसुबेल किससे, किसके बौद्धिक अनुशासन संप्रत्यय से काफी काफी प्रभावित हुए थे? जो डेविड आसुबेल हैं वो ब्रूनर के बौद्धिक अनुशासन संप्रत्यय से काफी प्रभावित हुए थे, तो ब्रूनर को याद रखिएगा। संरचना में विषय वस्तु के सार्थक सुबोध हेतु पहले किसको सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है? तो संरचना में विषय वस्तु के सार्थक बोध हेतु सबसे पहले क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है, सबसे पहले क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अग्रिम संगठन प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रमुख तत्व नहीं है, तो अग्रिम संगठन एडवांस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनिज्म, तो अग्रिम संगठन का क्या हो जाएगा? एडवांस ऑर्गेनिज्म का मैंने बताया भी था कि डेविड आसुबेल होते हैं, तो ये देखिए केंद्र बिंदु सही है, संरचना सही है, सामाजिक व्यवस्था सही है, बट इसका आर्थिक व्यवस्था से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये प्रमुख तत्व में नहीं आता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान किस शिक्षण हेतु बड़ी प्रभावशाली विधि है? तो ये है आपका अमूर्त पाठ्य वस्तु के, अमूर्त पाठ्य वस्तु के, ठीक है, शिक्षण हेतु बहुत प्रभावशाली है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना की अवस्था है, इंक्वायरी के लिए मैंने बताया था जो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान होता है किसने दिया था? सचमैन ने दिया था, ठीक है, पूछताछ को आप समझ याद रखिएगा, पूछताछ का मतलब जो सच्चा आदमी है वही पूछताछ करेगा, तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो इसका किसने दिया था? समस्या का प्रस्तुतिकरण, अच्छा इसकी अवस्था पूछा था ना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, सूचनाओं का संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभिक्रमित अध्ययन अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये बोला था बी एफ स्नीकर ने, बी एफ स्नीकर। रेखी अभिगम के प्रतिपादक कौन है? तो रेखी अधिगम के प्रतिपादक हैं बी एफ स्नीकर, बी एफ स्नीकर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों को 26 से लेकर के 53 करा करके पूरा यूनिट कवर कर दूंगा, तो अगले पार्ट में पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।